पता होगा। तो उस त्रासदी को में भी हम लोगों ने काम करके बहुत कम समय में हमने तुबेद माइंस को खोल दिया, और तुबेद माइंस से हमारे पावर प्लांट को कोयला जाना शुरू भी हो गया है। जो पहला दो रेक निकला था वो चंदपुरा आया था, अभी फिर रेक निकला है, एक कोडरमा जा रहा है और एक मिजिया जा रहा है, तो वहाँ से कोयला निकलना जो है शुरू हो गया है। तो यह एक बहुत बड़ी डीवीसी में उपलब्धि हुई है। तीसरी उपलब्धि जो सबसे बड़ी है कि हमारा कॉरपोरेशन एक तरह से ठहराव हो गया था, कोई प्लांट नहीं लग रहा था, जो प्लांट चल रहे थे हम लोगों के प्रयास से, और उसमें हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे सेक्रेटरी पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सहयोग से, हमको यह कहते हुए हर्ष है कि हमारी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कैपेसिटी 7000 मेगावाट की जगह 8000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट्स है, वो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, थर्मल प्रोजेक्ट्स और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स डीवीसी को सैंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिल गया है। और जो हमारा अभियान है कि 2030 तक हम अपनी कैपेसिटी को डबल से ज़्यादा कर देंगे, तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है डीवीसी के विकास में। प्रोजेक्ट्स, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ मिल गए हैं जो कि डीवीसी के लिए भविष्य में बहुत बड़ा एक वरदान साबित होने जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी और बात बताऊंगा मैं आपको कि हमारे यहाँ मैन पावर का रिक्रूटमेंट भी बंद हो गया था। लास्ट मैन पावर रिक्रूटमेंट 14 में हुआ था, हमारे मेंबर सेक्रेटरी साहब आने के बाद हम लोगों ने रिक्रूटमेंट का भी ड्राइव लिया, और इस साल हम लोग 400 लोगों को रिक्रूट करने जा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 50% से ज़्यादा हमने ऑफर 250 ऑफर हमने इशू कर दिया है, 162 लोग हमारे यहाँ ज्वाइन भी कर लिए हैं विभिन्न स्तर पर। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यह जो क्रम है लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मतलब करने का, वो हमारा जो है केवल एक साल की योजना नहीं है, ये लगातार हम जो है अब लोगों को जो जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा, जितनी हमारी वैकेंसी होगी उसके हिसाब से हम लोग ये रिक्रूटमेंट भी चालू करेंगे। परसों हम लोग चंदपुरा में थे और कल हमारी बैठक शुरू हुई है, जो रिव्यू मीटिंग जो होती है 8:30 बजे और रात के 7 बजे तक, हमको यहाँ कल 6 बजे पहुँचना था, हम रात के 8:30 बजे पहुँच गए, तो 12 घंटा हम मीटिंग किए परसों भी। तो हम लोग और हमारा पूरा टीम 24/7 हम कभी विश्राम नहीं करते हैं। हम लोगों के रोल मॉडल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब उनको हम लोग देखते हैं कि अपनी माँ का श्राद्ध करने के, श्राद्ध का मतलब दाह संस्कार करने के बाद वह व्यक्ति पूर्णतः तैयार होकर पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहा है और मीटिंग कर रहा है, तो प्रेरणा स्रोत हम लोगों के रोल मॉडल वही है, तो हम लोग उन्हीं की तरह रात दिन काम करते हैं, तो हर पल कंपनी के बारे में सोचते हैं। लेकिन हाँ, ये आप सही कहेंगे कि जब तुबेद में कोयला जिस दिन निकला था हमारा, तो मेरे को लगा था हमको और हमारी टीम को सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है कि हमने तुबेद में आज कोयला निकाल दिया इतने कम समय में, और इतने सारे प्रॉब्लम्स आप भी बताए झारखंड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम लोग भी देखते हैं, उसके बाद जो मिला था तो वो हमारे लिए बहुत ही आनंददायक क्षण था कि हम लोग तुबेद से कोयला निकाल।